व्यवस्था है आज बद से बदतर हो गई है। और वास्तव में ये लगता है कि पुलिस कानून व्यवस्था को ठीक रखने का जो उनका काम है उसको छोड़ करके बाकी सब कामों में वो लोग इन्वॉल्व हैं, और जितने भी गड़बड़ काम हो रहा है झारखंड में उन सारे कामों में लोग इन्वॉल्व है कि आम लोग इस बात से अब परिचित हो चुके हैं, वाकिफ हो चुके हैं। फिर हमने कहा कि करप्शन का तो आप देख रहे होंगे कि झारखंड सरकार जो भ्रष्टाचारी है, भ्रष्ट अफसर है, भ्रष्ट दलाल बिचौलिया उन सबको बचाने में लगी हुई है। सरकार का काम था भ्रष्टाचारियों को जेल में डालना, उनको सजा दिलाना, लेकिन यहाँ उल्टा हो रहा है कि भ्रष्ट अफसर, भ्रष्ट जो बिचौलिया है, दलाल है, उनको बचाने के लिए सुप्रीम कोर्ट से मांगे लॉयर को ला करके आम लोग बिल्कुल इस बात को सब लोग लूट पूरे राज्य में चाहे कोयला हो, लोहा हो, जमीन हो, और इन सारे लूट में इस संरक्षण सरकार की ओर से मिल रही है। और पुलिस टूल्स की तरह काम कर रही है, और इन सारे चीजों को देखते हुए आज मैं कह सकता हूं कि डुमरी क्षेत्र की मतदाता ने पूरी तरह से मन बना चुका क्या डुमरी में परिवर्तन होगा, नया सवेरा होगा। एनडीए गठबंधन के जो प्रत्याशी है आजसू और बीजेपी के यशोदा देवी जी, वो चुनाव जीत रही है और भारी वोटों के अंतर से वो जीत रही है, और इसको देख करके वो लोगों में बफलाहट है। और बफलाहट का मैं कल आज हमें सवेरे सवेरे खबर मिली वहां से, एक तो गिरिडीह जिला में गांव पड़ता है डुमरी थाना में जरीडी के दो जेएमएम के वर्कर ठेकेदार दलाल जो कह सकते हैं, भोला सिंह और एक तापेश्वर सिंह नाम के, उन दोनों ने हमारे दो कार्यकर्ता को, एक तो जेएमएम से वर्षों तक जेएमएम में थे मथुरा सोरेन पूर्व मुखिया है, और एक जयप्रकाश मंडल, ये दोनों को कल किडनैप किया। अभी भी पता नहीं छोड़ा है कि नहीं छोड़ा है, हमने डीजी से हमने बात किया है अभी सवेरे, ने कहा कि भाई ये क्या हो रहा है ये। अब इसको भी लगता है कि हेमंत सोरेन जी बंगाल बनाना चाहते हैं, और ये उनकी हताशा का एक परिचय है कि इस प्रकार से हताशा और निराशा है। इन दोनों को जो किडनैपिंग हुआ है, कले हुआ है, और अभी तक छोड़ा नहीं गया है, जो अभी मेरी बात हुई है कुछ देर तक पता नहीं चला।